हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ जो है हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। और देखिएगा, उससे भी पहले एक चर्चा कर लेता हूँ। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कह रहे थे कि सर नेटको फार्मा का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। मैं भी मानता हूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। सुबह 1100 रुपये के भाव भी थे और फिर एक अच्छी खासी प्राइस करेक्शन भी देखने के लिए मिली, और जो क्लोज हुआ वो 1030 रुपये पे बंद हुआ, यानी कि लगभग ऊपरी लेवल से 7% टूट भी गया और दिन के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर बंद हुआ, यानी कि 1032 पर बंद हुआ। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना ऑपरेटर्स के गेम होते हैं। वैल्यूएशन वाइज मुझे अभी भी देखिएगा काफ़ी कंफर्टेबली जो है वैल्यूड लगता है, और मुझे लगता है कि नेटको फार्मा जो है, देखिएगा जो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर बड़े प्लेयर्स जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, काटते रहते हैं। अब देखिएगा, अब जब तक इलेक्शन की अनसर्टेंटी है तो बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि भाई पोजीशन सभी नहीं बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो बाइंग सेंटीमेंट है, देखिएगा पैसा तभी बनता है बेशक से अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन अगर बाज़ार में बुलिश सेंटीमेंट रहता है तो उस फ्लो के अंदर जो है पैसे बनते हैं। तो अभी जो रुझान है वो बड़े प्लेयर्स का जनरली अभी इंडेक्स की तरफ ज़्यादा रुझान है, और हमें लगता है कि यहाँ पर भी रुझान आपको बड़ा पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। एज अ डिस्क्लोज़र मैं आपको बता सकता हूँ कि जब क्लोजिंग हो रही थी उसके आसपास 1031 के आसपास जो है हमने कुछ शेयर्स अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में आज ऐड भी किए, तो ऐसा नहीं है और बेचे नहीं है एक भी शेयर। तो कुल मिलाकर ये जो शेयर्स हैं अपने ट्रेड के लिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद जो है शायद एक अच्छा मूव हमें इसके अंदर भी देखने के लिए मिले, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने अगर माल बताइए पहले निकाल दिया होगा और थोड़ी होल्डिंग रख रखी होगी तो उसको भी इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको लग रहा है कि यार पहले बेच लेते हैं, एक इवेंट को सेटल होने देते हैं, या पहले अपना माल इकट्ठा करेंगे और फिर बाजार को चलाएंगे, या मैं यहाँ पे स्पेशली नेटको की बात करूँ तो हो सकता है। मुझे फंडामेंटली एक अच्छी वैल्यूएशन अभी भी नेटको की लग रही है, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, 77 रुपीज़ के आसपास पूरे साल भर की ईपीएस है। फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करें तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 80+ अगले साल की जो ईपीएस है वो आएगी, और अगले 2 क्वार्टर तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है नेटको फार्मा में आते हैं। तो उन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पुरानी चर्चा आपके साथ रही है, तो कम से कम 20 की पी वैल्यूएशन से इसको मिलनी चाहिए, और मेरा जो भाव निकल कर आता है वो 1680 रुपये का, और मैं अपनी बात पे जो है कायम हूँ यहाँ पे। तो ये अपना व्यू है। हालांकि हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस थी वो हमने 2 महीने पहले जो है स्क्वायर ऑफ कर ली थी, कुछ बीच बीच में ट्रेड लेते रहे थे, वो था शेयर डीवीज लैब। तो अभी डीवीज लैब के रिजल्ट अच्छे हैं, तो अभी हमने अभी कोई पोजीशन मंदी की नहीं बनाई है, पर हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान रिजल्ट के बाद है, तो जहाँ से वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू होगा तो हो सकता है कि हम वहाँ पे पोजीशन बनाएं, बट अभी कोई शोर नहीं है। तो अभी क्योंकि इंडेक्स की तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और एक बड़े इवेंट के समय पर हम जनरली अपनी पोजीशंस को इंडेक्स तक सीमित कर लेते हैं बजाय के स्टॉक स्पेसिफिकली ज़्यादा पोजीशंस रखने के, तो ये भी एक रीज़न है। तो अभी जो हमारे जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा इंडेक्स के अंदर हमने मेजर कर रखा है कि भाई यहीं पर अभी हम ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, और इंडेक्स में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों शेयर्स जिन पर आप चर्चा चाह रहे थे वो शेयर्स की चर्चा मैंने कर ली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर अभी काम कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन आपने देखा 1629 जो है शेयर्स थे, और आज जो बाजार के अंदर भी अगर हम देखें तो जो मोमेंटम था, जो कल एक मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा था, वो मोमेंटम कल दोपहर में जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो उस पर डेंट पड़ा, और आज भी बाजार जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। आज का जो हाई भी है, आज का अगर डे हाई भी देखें तो 22998 जो आज का हाई है वहाँ पर बाजार संभला ही नहीं, और धीरे धीरे करके 12:30-12 बजे तक बाजार जो है कूल ऑफ हो गया, और फिर लगभग दिन के निचले स्तर के आसपास ही जो है बाजार बंद हुए। तो ये तो सही निफ्टी के बारे में, और निफ्टी में भी देखिएगा ऊपर जो टॉप के ऊपर जो है जहाँ पर ब्रेकआउट आना चाहिए था वहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि शायद अभी बाजार एक सॉफ्टनेस जो है हम इस मंथली एक्सपायरी में दे सकता है। तो अगले 2 दिनों के अंदर मैंने कहा भी था मंगलवार के बीच में से जो है एक पोजीशंस ट्रेंड बदलता हुआ नज़र आना चाहिए, और वो आज देखिए आया भी, और मुझे लगता है कि अभी अगले 2 दिन भी हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज ही है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, डीवीज लाइफ, ग्रासिम और HDFC लाइफ जैसे शेयर्स तेजी में थे। कमजोरी आज रिलायंस, अदानी और अदानी इंटरप्राइजेज जैसे शेयर्स में थी, अदानी पोर्शन, अदानी इंटरप्राइज। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा मंदड़ियों के कंट्रोल में था,
डिवीज लैब, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम जैसी शेयर्स तेजी में थे। और कमजोरी कहाँ पे थी? अदानी पोर्ट्स में, पावर ग्रिड में, बीपीसीएल, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइज, एनटीपीसी जैसे शेयर्स। बैंक निफ्टी भी आज देखिएगा 49511 पर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सुबह ही जो है ऊपरी लेवल से रिजेक्शन मिल गया और दिन में 1 बजे के आसपास जो है लो लगाए, फिर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता आया, लेकिन 3 बजे के बाद फिर एक नए लो लगा दिए। तो अल्टीमेटली हालांकि 49,000 को होल्ड कर रहा है, हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कल बाजार 49,000 भी एक बार तोड़ता हुआ नजर आए और हमें लग रहा है 48,500 तक के दायरे भी जो है कल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू जो है निफ्टी बैंक पर भी सेल ऑन राइज का है और ये एक्सपायरी जो है उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एफआईज ने भी अपने शॉर्ट ज़्यादातर कवर कर लिए हैं पिछले 2 दिनों में, तो उनको देख के भी ऐसा लगता है। निफ्टी बैंक भी देखिएगा उसी रेजिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पे सप्लाई जोन की चपेट में है और मुझे लग रहा है कि अभी सप्लाई यहाँ पे और जबरदस्त जो है आज के बाद आपको कल और परसों में भी देखने के लिए मिलेगी और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द हम 48,500 के दायरे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो भी ऐसा है कि बाजार से जो है थोड़ा दूरी बनाने का है या सेल ऑन राइज की ही जो है स्ट्रेटेजी रहेगी, बट ये शॉर्ट टर्म व्यू है भी 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद हमारा व्यू बदलता हुआ नजर आ सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी फ्लैट थे। बाकी कमजोरी आज फेडरल बैंक में थी, पंजाब नेशनल बैंक में थी, इंडसइंड बैंक में थी और एफआईज ने भी आज बाइंग करी बट मामूली सी बाइंग है 65 करोड़ की, डीआईज ने भी। और कल की डेटा है ये जहाँ पर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग करी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी दोनों जगह। अब देखिएगा जनरली लॉन्ग पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आ गई है एफआईआईज की, तो जनरली जब ऐसा होता है स्टॉक फ्यूचर्स में लास्ट के 2 दिनों में आते हैं तो बाजार एक अच्छी तेजी देता है, बट बात यह है कि इन्होंने बहुत मंदी बना रखी थी तो अब इन्होंने जो अपनी हेजिंग है वो ऑप्शंस के साथ कर रखी है। आज भी इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में एक अच्छी खासी बिक वाली की है, तो जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद अब नई ऊंचाइयों की तरफ जो है एक रेजिस्टेंस जो है अभी और देखेगा। तो अभी हमारा सेल ऑन राइज और पुट राइटर भी अब देखिएगा बैक फुट पे हो गए, 0.8 पर आ गई है, लेकिन इंडिया भी जो है लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम लगातार बढ़ रहे हैं और अभी इवेंट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है कि कल 25 के आसपास या उसके ऊपर भी इंडिया विक्स जाता हुआ नजर आए, बट कल एक प्रीमियम डिके का डे जो है हमें लगता है कि निफ्टी बैंक स्टॉक्स में होना चाहिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी तकरीबन 0.41% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, हालांकि नैसडेक के अंदर अच्छी तेजी थी, S&P 500 भी फ्लैट काम कर रहा है। ब्रांड $84 पर आ गया। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखें तो 23,000 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, 23,100, 23,200 ये सब लेवल्स पे राइटिंग है, बट मेजरली 23,000 के ऊपर एक मेजर राइटिंग है कॉल साइड, यानी कि मंदी करने वाले लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर लिया है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है, तो इन द मनी पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ से भी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द अब आप 22,800 को भी टूटता हुआ देखें और 22,600 के आसपास तक भी बाजार जो है हमें लग रहा है कि दिखा सकता है। निफ्टी बैंक में भी 49,000 के ऊपर भी अच्छी राइटिंग है कॉल राइटिंग, लेकिन अभी इतनी सीवियर राइटिंग नहीं है। 49,500 एक लेवल है जहाँ पर एक अच्छी खासी राइटिंग है, जहाँ पर तकरीबन 2,37,000 कॉन्टैक्ट है। पुट राइटर्स जो है अभी भी एग्रेसिव हैं 49,000 पर, लेकिन 49,000 अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पर 49,000 के पुट राइटर थोड़े से ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।